हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? और मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूँ, इनको जानते हैं बीमा श्रीवास्तव। आगे का वीडियो आप लोग आपको दिखाते हैं कि गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम लोग निकल चुके हैं अभी बासी की गलियों में हैं। धीरे धीरे जा रहे हैं रोड पे, आप लोग तो रोड का व्यू दिखाते हैं कैसा नहीं, तब तक बने रहिए आप लोग वीडियो में। जैसा कि गाइस, हम लोग अब आ चुके हैं तहसील के पास। ये बासी का तहसील है, आप लोग देख सकते हैं इधर भी है, तहसील इधर है, जो है लोगों का बैठने का वो है, बैठते हैं। और आगे देख सकते हैं झोपड़ पट्टी से दुकान उकान है गाइस। हम लोग फाइनली आ चुके हैं रोड पे, आप लोग को दिखाते हैं रोड का व्यू। ये देखिए रोड, बासी का मेन इधर बस्ती जाएगा, इधर बस्ती जाएगा गाइस। हम लोग को जाना है इधर नौगढ़ जाना, हम लोग को दिखाते हैं आप लोग को पूरा व्यू नौगढ़ का। अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं बांसी से सिद्धार्थ नगर वाले हाईवे पे, और रास्ते में हमें दिखा ये प्यारा सा व्यू। यहाँ पे कुछ पक्षी जो हैं तालाब में, आई थिंक ये बगुले हैं जो तालाब में अभी कुछ खा रहे हैं या फिर मछली की खोज कर रहे हैं। इनका पूरा व्यू देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी देखिए पंख भी ला रहा है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो यहाँ पे ज़रूर बनाना चाहिए। एकदम मस्त सा लग रहा है, ऐसे आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। शायद बगुला है या कौन सा पक्षी है, देख के तो मालूम नहीं पड़ रहा है क्योंकि साइज में काफ़ी बड़े हैं ये सब। लेकिन अगर आप लोगों को मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा पक्षी आप लोगों को लग रहा है। गाइस देख सकते हैं, जैसा कि अब हम लोग ने आया थोड़ा पेट्रोल डलवाने के लिए, कम हो गया था गाइस, चलना भी है थोड़ा ज़्यादा, इसीलिए हम लोग ने सोचा थोड़ा पेट्रोल डलवा लूँ, डलवा के फिर आप लोग को दिखाते हैं आगे का व्यू। चलते हैं तो तब तक बने रहिए वीडियो पे। देख सकते हैं हम लोगों ने पेट्रोल डलवा लिया, हम लोग हाईवे पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रास्ते में पड़ा सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, आप लोग सिद्धार्थ देख सकते हैं। फाइनली गाइस हम लोग नौगढ़ में पहुंच चुके हैं, हम लोग नौगढ़ का व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा है। ये नौगढ़ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मित्रों। फाइनली हम लोग नौगढ़ में एंटर कर चुके हैं, और ये है नौगढ़ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज का ऑफिस, जिला एवं सत्र न्यायालय, और आगे महिला थाना है। एक्चुअली हमको सीएमओ ऑफिस जाना था, कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आए थे, कुछ काम था, तो कल हमने पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम ख़त्म किया, उसके बाद आज मुझे सीएमओ ऑफिस जाना है। तो आज सीएमओ ऑफिस जाने के लिए अपने भाई, मेरा मौसी का लड़का है अमिकेश, जो कि अभी तक कैमरे के सामने था, आप लोगों से बातें कर रहा था, अब पीछे बैठा हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके साथ में हम आए हुए हैं। ये हम आ गए हैं एसपी ऑफिस के पास में, एसपी ऑफिस के ठीक आगे जो है सीएमओ साहब का ऑफिस है, इस बगल में पुलिस लाइन है ये। और अभी हम लोग बस सीएमओ साहब के यहाँ कुछ काम करना है, वहाँ पे काम निपटा करके हम लोग आपको नौगढ़ का दर्शन भी करवाएंगे, पूरे नौगढ़ का व्यू दिखाएंगे, उसके बाद तब यहाँ से बांसी जाएंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक, अगर नौगढ़ का पूरा आपको दर्शन करना है, नौगढ़ शहर का दर्शन करना है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, नौगढ़ का एक और नाम है, इसका दूसरा नाम है सिद्धार्थ नगर जनपद। सिद्धार्थ को आप लोग जानते होंगे, सिद्धार्थ महात्मा गौतम बुद्ध का नाम था, तो उन्हीं के नाम पर ये नौगढ़ शहर का नाम पड़ा हुआ है, नौगढ़ ज़िले का नाम पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग आ गए हैं सीएमओ ऑफिस पे, यहाँ पे देख सकते हैं, पहले जाके सीएमओ ऑफिस में सीएमओ साहब से मिलते हैं, उसके बाद अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फाइनली मित्रों, कैमरे के सामने मैं भी आ गया हूँ, और अभी यहाँ सीएमओ ऑफिस आप पीछे देख सकते हैं, हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और अब हम जा रहे हैं नौगढ़, थोड़ा सा शहर घूमेंगे, नौगढ़ का दर्शन आप लोग को करवाएंगे, उसके बाद तब यहाँ से निकलेंगे बासी, और मे भी शाम को हम लोगों को बस्ती भी जाना पड़े। तो अभी फटाफट चलते हैं, पहले आपको थोड़ा बहुत नौगढ़ का व्यू कराते हैं, और इससे पहले आपको नौगढ़ के बारे में मैंने बता दिया है, और अधिक जानकारी के लिए अगर आपको नौगढ़ के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियोस में भी देख लीजिएगा और गूगल भी कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं फटाफट, आपको नौगढ़ का दर्शन करवा।
नौगढ़ में आ चुके हैं। देखिए प्यारा सा मंदिर है, चलते मंदिर के अंदर, चलते हम लोग मंदिर के अंदर, आप लोग को दिखाते हैं मंदिर का व्यू कितना प्यारा अंदर से। तो मित्रों अभी हम लोग नौगढ़ शहर का थोड़ा भ्रमण कर रहे थे, ऐसे ही घूम रहे थे, जायजा ले रहे थे कि नौगढ़ में क्या क्या चीज़ें हैं। तभी अचानक हमको दिखा एक प्यारा सा मंदिर, मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ बैक कैमरे से अपने। ये मंदिर देखिए, इसका आर्किटेक्ट कितना अच्छा लग रहा है, मंदिर कितने अच्छे ढंग से बनाया गया है। हालांकि मंदिर तो अभी बंद है, गेट खुल सकता था, गेट खोलना छोटू, गेट खुल सकता है, नहीं खोलो खोलो खोलो, तो गेट खुला हुआ था तो इसी वजह से हम लोग मंदिर के अंदर घुस गए हैं। छोटू ने घंटी भी बजा दिया, ये भगवान की मूर्तियाँ हैं। और मैं आपको मंदिर के ऊपर के दीवालों को दिखाता हूँ कितना बढ़िया आर्किटेक्ट बना है, एकदम शानदार तरीके से दीवालें बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं ये दीवालें पूरा कितना अच्छा बना हुआ है। दीवालों पर जो नक्काशी की गई वो भी बहुत अच्छा है। और मंदिर के चारों तरफ शीशा लगाया गया है, चारों तरफ नहीं लगाया गया, अभी केवल ये दो तरफ लगा हुआ है, बाकी तरफ खाली है, हो सकता है कि बाद में लगे, काम चल रहा हो इसका। और इसके अलावा ये जो मंदिर के खंभे हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। ओवरऑल ये पूरा मंदिर ही मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। छोटा सा मंदिर है, छोटा सा मंदिर का प्रांगण है, लेकिन जितने में है ये मंदिर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है। इसके अलावा मैं मंदिर की दीवारों को भी आपको दिखा देता हूँ पीछे से, बैक साइड से, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। वाह वाह वाह, मतलब मुँह से वाह निकल जा रहा है, इतना शानदार, इतना प्यारा डिज़ाइन बनाया गया इस मंदिर का। आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ किसी जगह पर आए हैं, कोई मंदिर घूमने आए हैं। मंदिर का गुंबद जो है ना, उस पर बहुत काम किया गया है, बहुत पैसे खर्च किए गए हैं इस पर, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बनाया गया है मंदिर के गुम्बज को। इवन मंदिर के गुम्बज को नहीं, पूरा मंदिर ही बहुत ही शानदार ढंग से बनाया गया है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए। वाओ दोस्तों, जैसा कि हम लोग मंदिर के बाद आ चुके हैं चर्च के पास, आप लोग देख सकते हैं चर्च का व्यू कितना प्यारा है। ये है चर्च, ये आपको दिखाएंगे पूरा चर्च का व्यू कितना प्यारा है यहाँ के, देखिएगा। और बगल में स्कूल भी है, बगल में स्कूल भी है, सेंट जेवियर है, सेंट जेवियर्स स्कूल, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल। इतना प्यारा भी यहाँ का, आप लोग देख ही सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जैसा कि इंटर होने जा रहे हैं शहर में, आप लोग को दिखाते हैं शहर का व्यू कैसा है। तो हम लोग नौगढ़ के लोग आ चुके हैं, नौगढ़ में पूरा ये शहर है गाइस, देखिए आप लोग को घुमा रहे हैं पूरा। ये देखिए चौराहा टाइप का है, ये यहाँ पे पूरा देख सकते हैं गाइस। अभी हम लोग चेत्री मार्केट में, चेत्री मार्केट इस यहाँ का नाम, मार्केट नौगढ़, चेत्री मार्केट नौगढ़। ये रेलवे क्रॉसिंग है, देखिए। चलो नौगढ़ का स्टेशन दिखा दीजिए, चलिए आप लोग को दिखाते हैं नौगढ़ का रेलवे स्टेशन, रोडवेज दोनों। चलिए जैसा कि हम लोग आ चुके हैं, इधर रोडवेज है नौगढ़ का, इस साइड रेलवे स्टेशन है, प्यारा लग रहा है। ये नौगढ़ का रेलवे स्टेशन देखते हैं, ये रोडवेज नौगढ़ का, ये नौगढ़ का रोडवेज, थोड़ी बस खड़ी हुई है सब है। और यहाँ पे बैठने उठने का जगह पूरा देख सकते हैं आप लोग, ये दुकान हम लोगों ने पीने आया है, मतलब यह देखिए बनवा रहे हैं जूस, हम लोग पीते हैं पपीता का जूस, आप लोग हाँ पी लेंगे पपीते का जूस, और आपको दिखाते हैं कैसा है कैसा नहीं है दुकान। दोस्तों जैसा कि हम लोग तहसील आ चुके हैं नौगढ़ के, देख लीजिए आप लोग, ये नौगढ़ का तहसील है, यहाँ पे मेला, शादी ब्याह का मेला, यहाँ पे हर चीज़ मिलता है गाइस, देख सकते हैं आप लोग पूरा। हम लोग नौगढ़ से लौट चुके हैं, तो हम लोग नहीं आया आप लोग को कपासी का नदी दिखाने, आप लोग बताइएगा जरूर कैसा है कैसा नहीं। हम लोग एंट्री कर चुके हैं, ये देखिए छोटा मोटा पार्क है बच्चों के लिए, ये सामने नदी, आप लोग देखिए हाई जब बड़ा। तो जैसा कि छोटू ने बताया कि हम लोग बांसी नदी पे पहुंच चुके हैं, और बैक कैमरे से बांसी नदी का जो व्यू, उसके आसपास का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। आइए, नदी है, नदी के ऊपर बना हुआ ये बांसी का पुल पुराना वाला है, इस पुराने वाले पुल पे पहले आवागमन था लेकिन अब नहीं है, पुराने वाले पुल के ठीक बगल में नया वाला पुल भी बना हुआ है। और आप देख सकते हैं नदी में बच्चे नहा रहे हैं, इनको डर नहीं लगता है तैरने से, बिकॉज नदी किनारे रहने वाले हमेशा तैरना जानते हैं, लेकिन इस नदी में कई लोगों की डूबकर मौत भी हो चुकी है, तो थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे, कोई बड़ा नहीं है, थोड़ा बड़ों की देख रेख में नहाना चाहिए। हाँ देखिए मैं आसपास का व्यू भी आपको दिखा देता हूँ, इधर पीछे पार्क है, सामने मैं पार्क भी दिखाऊंगा, रवि ये रेतीला पार्ट है नदी का, यहाँ से रेत वगैरह निकाला जाता है, बल्कि चल के देखते हैं पानी ठंडा या नहीं, देखने का इस ठंडा या नहीं, देखिए
राप्ती मैया की जय। जय राप्ती मैया। भाई ठंडा है पानी, ठीक ठाक नहा लेना। जाएगा ना, जाएगा।